चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। ये क्या कहता है और किस टाइप का एक क्वेश्चन है? ये कहता है एक पॉजिटिव आयन है। चलो ये एक पॉजिटिव आयन है, अच्छा सा है, और एक पॉजिटिव आयन है और वन इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, हैविंग जस्ट वन इलेक्ट्रॉन। इस बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, चलो चक्कर लगा रहा है। तो कहता है यही इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब बाहर इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा मेरे भाई? इस कहता है इफ़ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ टू, मतलब 228 एंगस्ट्रॉन का फोटोन ऑब्जॉर्व कर लिया या इससे कम फोटोन ऑब्जॉर्व करता है, भाई लिमिट है, समझ में आ रहा है ना, लिमिट है। तो इससे कम या ये फोटोन ऑब्जॉर्व करता है तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा और हमें आइडेंटिफाई करना है आयन, मतलब इसका जेड निकालना है, वो हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, वो क्या है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना, जब जो लैम्डा है वो कितना है, 228 एंगस्ट्रॉन है या इससे लेस है, लैम्डा लेस है, ठीक है, 228 से, तो वो बाहर आ जाएगा। तो देख लेते हैं कितनी कितनी एनर्जी इसको निकालने के लिए ज़रूरत है, मतलब इसको इन्फिनिटी को भेजने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत है निकालना इसको। तो जो एनर्जी है डेल्टा ई इज इक्वल टू वो SC अपन लैम्डा है यार, ठीक है। तो यहाँ से जो हमें जो एनर्जी की ज़रूरत है वो हमें आ जाएगा SC अपन लैम्डा, और SC नंबर 12 नंबर 402 और 0 एंगस्ट्रॉन में दिया है सोल्यूशन, तो मैं एंगस्ट्रॉन में ही कैलकुलेट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ एंगस्ट्रॉन में दिया था, तो 228। तो फाइनली इसको कैलकुलेट करते हैं तो 54.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी, इतनी एनर्जी जो है अगर इसको दे दोगे तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये एक मिनिमम एनर्जी आ जाएगा, ठीक है, ये एक मिनिमम एनर्जी आएगा, ठीक है, क्योंकि लैम्डा जो है वो मैक्सिमम है। तो लैम्डा अगर यहाँ पर मैक्सिमम यूज हुआ है तो ये जो एनर्जी है वो मिनिमम है, फोटो इलेक्ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये वाली चीज़। चलो अब ये एनर्जी यहाँ से पा के तो चलो बाहर तो आ ही जाएगा, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा आयन है। अब इसमें जो टोटल एनर्जी है इसकी इसकी जो टोटल एनर्जी है वो -13.6 जेड स्क्वायर, -13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाली जो एनर्जी है वो टोटल एनर्जी है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, बोर मॉडल के लिए, बोर मॉडल वैलिड है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो, और यही एनर्जी क्या है, यही एनर्जी इसके इक्वल हो, ये और एनर्जी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो ये आ जाएगा 54.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -13.6। और ये अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो देखो पॉजिटिव आयन, जस्ट वन इलेक्ट्रॉन इज ऑब्जर्व आइडेंटिफाई, देखो पॉजिटिव आयन है और अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो अकेला जब इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल ऑर्बिट में रहेगा, तो एन इज इक्वल टू वन मैं मान के चलता हूँ, तो ये वन का स्क्वायर और दैट इज जेड का स्क्वायर, ठीक है, जेड का स्क्वायर। तो जब यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो जेड की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी, जेड स्क्वायर की वैल्यू, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 2, मतलब वो जो है हीलियम आयन है, हीलियम +1 और उसका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है।